हाय, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह गंगा के घाट में नहाने, गंगा स्नान करने के लिए। थोड़ा सा देर हो गई, पता नहीं पूजा हो गई होगी अब तक। तो जो आरती होती है सुबह सुबह जाने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा भीड़ कम होती है, और इस टाइम ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं पहुँच जाऊँगा। बस 10 मिनट मुझे चलना पड़ेगा पैदल। सुबह का शाम का आपने देख लिया था ठीक घाट में कितनी भीड़ होती है, लेकिन अब सुबह का देखना। ये है सुबह का टाइम, चाय के लोग चुस्कियाँ मारते हुए, और बिल्कुल अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा है बिल्कुल। सुबह सुबह का टाइम है, तो 5 बज रहे हैं अभी, और थोड़ा सा उजाला हो चुका है, मौसम साफ है। जितनी जल्दी हो सके पहुंचा जाए, अगर भीड़ बढ़ गई तो फिर जगह नहीं मिलेगी नहाने की भी। अरे यार, एक गलती हो गई मुझसे, अब गंगा किनारे पे जा रहा हूँ नहाने के लिए, और लेकिन टॉवल मैं भूल गया घर पे ही, फिर कपड़े उठा के ले आया जल्दीबाजी में। अब चेंज कैसे करूँगा, ये दिक्कत है मेरे लिए। अब देखता हूँ, अगर कोई दुकान होगी तो खरीद लूँगा यहाँ पर, कोई टॉवल वगैरह मिल जाए मुझे, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा। मार्केटें बंद है अभी, मार्केट ही ओपन हुई नहीं है, और टॉवल कहाँ मिलेगा यार, दिमाग ख़राब हो गया। पता करते हैं कोई दुकान खुली हो, दुकानें तो खुली हुई हैं इक्के दुक्के, देखो क्या पता मिल जाए यहाँ से। हाँ, सामने दिख रहा है, शायद यहाँ पर मिल जाए, है यहाँ पे टॉवल, देख गया मुझे लग रहा है। भैया टॉवल देना यार बांधने के लिए, मैं भूल गया घर पे। बैग में रखा हुआ, वो लाने भूल गया मैं आज ही में। हाँ, मुझे सोचा जल्दी पहुँचूँ होटल में, रूम में रह गए। ये छोटा तो नहीं है लपेटने में, छोटा तो नहीं है ना लपेटने में खाने के। टॉवेल और दोनों मिल गया मुझे, निकर भी ले लिया मैंने पहनने के लिए। चलो अच्छा हो, कुछ पैसे जेब में रख के ले आया था मैं तो। ऑनलाइन तो लेते नहीं होंगे, लेते हैं तो ऑनलाइन पे डाल दूँगा, वो ज़्यादा बढ़िया है। 200-300 रुपये रखे थे जेब में बस, ये ले लिया मैंने, ये टॉवेल हो रही है। बाकी रूम में रखा हुआ है, फिर भी भूल गया था मैं। चलो कोई नहीं, आजकल तो भैया क्रिप्टो करेंसी के ज़माना है, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन चलता है। तो चले फटाफट घाट पे, भीड़ अभी बहुत कम होगी वहाँ पे, तो आराम से मेरा नाना धोना हो जाएगा। और निकर और टॉवेल ले लिया मैंने, मैं सोच रहा था भीड़ होगी नहीं, पर यहाँ तो बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ आज पर आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे गंगा में नहाएंगे, हो गई है और वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है। अरे सामान का भी ख्याल रखना पड़ रहा है ना, कोई उठा के ना ले जाए। बारिश हो रही बहुत तेज, बिल्कुल बुरा हाल है। ये देखो कितनी बारिश है, देख रहा है। निकलेगा 11 बजे, मैं निकलता हूँ रूम पे। बारिश का मजा उठाते हुए जा रहे हैं बिकते बिकते अपने होटल के रूम पर। और मैं बताया था कि मैं आज क्यों आया था यहाँ पर हरिद्वार में, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था, तो अपना बर्थडे मनाने के लिए आया था भगवान के चरणों में। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और पूरा भीग चुका हूँ मैं, चश्मा भी पहन रखा है मैंने,
और देखो फ्रंट में लोग चल रहे हैं। हाँ हाँ मज़ा आ गया बिकते बिकते। तो दोस्तों अपना हो गया जाने का टाइम, आप 11 बजे चेकआउट हो जाता है, तो मैंने तैयारी कर ली है अपनी। रेडी जाने के लिए, एक बार व्यू दिखा दूँ। ये देखो बाहर का व्यू, पहाड़। थैंक यू, चलते अच्छा लगा, मिलेंगे फिर। तो बारिश की हल्की हल्की छींटें पड़ रही हैं, मेरी बाइक रेडी, गीली हो गई है, थोड़ी सी धुलाई हो गई है, पेट्रोल वगैरह भी डलवाएंगे रास्ते में। देखें जरा पेट्रोल तो कम ही बचा हुआ है। हाँ 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 हाँ, ज़्यादा पोछा पाछी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी फिर भीग जानी है, बस सीट साफ कर लो और कुछ नहीं। अब सेल्फ मार के देखेंगे भाई, स्टार्ट हो ही नहीं हो रही, सीट सेल्फ में स्टार्ट हो गई है भाई। चलो चलें बारिश में। दोस्तों इसी के साथ ही मैं अपना ये ब्लॉग अब क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर निकल रहा हूँ। मैं 5-6 बजे तक पहुँचूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा भगाऊँगा नहीं, आराम से पहुँचूँगा। और ये होटल अच्छा है, आप आ भी सकते हैं यहाँ पे हरिद्वार में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय, टेक केयर।